एक दूजे के वास्ते। हाय आ गया राजे, किधर है मेरा पुत्र? मैं ना तेरा इंतजार कर रही थी। इतनी पंजाबी, परेशान हो मम्मा? गुस्से में हो? ओ, परेशान होने की तो बात है ही ना। अब तू यहाँ क्या खड़ी? जल्दी से हल्दी वाला दूध लेके आ, और तू मुझे अपनी चोट दिखा। आपको कैसे? मम्मा कोई चोट नहीं लगी, योर पुत्र इज फाइन। अच्छा, तो तेरे पापा तो कह रहे थे कि पूरे स्कूल में घुटने के बल गधे की तरह घुमाया तुझे। और मैंने ये भी कहा था कि इस पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था हाँ, जुमरी दूध लेकर आओ, जहर मैं डालूंगा। हैं, कैसी बातें करते हो आप? आज स्कूल में पनिशमेंट क्यों मिली? अब गूंगा बन के खड़ा रहेगा या कोई जवाब देगा? कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे उल्टा जवाब देता है बाप को। इतनी बकवास करने के लिए जो लंबी लंबी जबान चलाता है तू, दिमाग क्यों नहीं चला सकता तू अपना? हाँ, किस चीज की कमी रह गई है मुझे बताना, जिसका बदला निकाल रहा है तू? जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो मेरे पापा को पत्ता तक खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और तू अपने आप को देख, एक नंबर का पढ़ा लिखा गंवार है तू। बाप के पैसे फूक करना, ये बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं है जब अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ हो तो। श्रवण कहाँ जा रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं श्रवण, आई एम टॉकिंग टू यू श्रवण। हम स्कूल में पढ़ता ना, अब तू कम से कम एक नजर वहीं घुमा के देख ले, है कोई तेरे जितना निकम्मा? तूने साबित कर दिया कि हमने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा लगता है कि तेरा एडमिशन वहां कराकर सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है। अरे मुझे डर लगता है कहीं तेरे चक्कर में आर्मी वाले आकर एक दिन मुझे ही ना गोलियों से भून दे। मुझसे ऊंचा कद हो रहा है ना तेरा, पर एक वजह नहीं दी तूने मुझे आज तक कि मैं अपना सर उठाकर ये बोल सकूं कि ये मेरा बेटा है। स्कूल से तेरी लास्ट वार्निंग लेकर आया हूं, सुधर जा। ऐसे दुखी कर करके अपने बाप की उम्र घटा देगा तू। अंकल ने कितना डांट दिया, पता नहीं बेचारे श्रवण के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सुमन ने ऐसे क्यों बोला कि मैं स्पेशल नहीं हूं? मैं स्पेशल नहीं हूं। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा, उसने ऐसे क्यों बोला कि मैं उसका स्पेशल फ्रेंड नहीं हूं? हमें क्या मालूम है। आजा आजा, अभी तो बहुत मजा आएगा। ये भी कोई बात है क्या यार, कितनी आसानी से बोल दिया उसने। अरे लड़की को छोड़, पहले ये बता कि ये दौड़ती कैसे है? और कुछ करना मुझे तो फील करा दिया कि स्पेशल फ्रेंड है, पर खुद की फीलिंग को एडमिट नहीं करना। ऐसे नहीं चलेगा बॉस, इस मामले को सुलटाना पड़ेगा। रुकना, इधर कैसे कछुए की तरह रेंग रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ा ना। ओ वैसी तू ना ले बन गई। अभी क्या कर दिया, अभी ये क्या कर दिया? इतना स्वीट है बेचारा, मुझे सॉरी बोल रहा था क्योंकि उसने मुझे एम्बैरेस किया ना। तो उसे भी क्या जरूरत थी तुझसे मिलने आने की, हरकत ही ऐसी थी अगले की। हाँ नहीं करना चाहिए था, पर क्यों हरकत थी, वो तो खुराना सा ने। ओके, तो ये हुआ दो बार बेचारा, एक बार स्वीट और अब क्यूट। क्या चल क्या रहा है बहन? बकवास, तो मुझे बस तरस आ रहा है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है ना। और पता है दीविका उसकी मजा ले रही थी कंचा। अच्छा, तो मतलब अब तू श्रवण के साइड पे? बड़ी झप्पी रूट बदल लिया। आई मीन गेम में यार, जब राइट रूट दिख जाए ना तो बदलने से डरना नहीं चाहिए।
क्योंकि मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। चीटर है तू, चीटर। विनर हूँ मैं, विनर। तू हार चुकी है। एक और गेम, एक और गेम, एक और गेम, एक और गेम। हेलो अंकल। हेलो श्रवण, आओ 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 बैठो। कैसे आना हुआ? अंकल सुमन। सुमन तो बेटा सोने चली गई, कोई अर्जेंट काम था? सुमन से पूछना था कि मैं उसका स्पेशल फ्रेंड क्यों नहीं हूँ। एक्चुअली आपसे मिलने आया था अंकल, वो पापा ने बोला था ना कि आपसे मिलके आर्मी और डिसिप्लिन के बारे में कुछ सीखता रहूं। लगता है स्कूल में जो आज हुआ उसका असर है। हाँ अंकल, वो मामा ने बताया कि आप भी पापा के साथ थे, बट अंकल मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सब स्कूल में ना ऐसे। इट्स फाइन बेटा, दैट्स पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ। हाँ, हमें हर पनिशमेंट से सबक जरूर लेना चाहिए। कितने कूल अंकल आप, और पापा ने तो आज जो बोला ना वो सब। कोई बात नहीं, तो बताओ क्या जानना चाहते हो आमी के बारे में मुझसे? बेसिक से शुरू करते हैं अंकल, वैसे तो पापा कुछ कुछ बोलते हैं बट सब सर के ऊपर से। तो बेसिक्स को समझने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स दूंगा तुमको, पढ़ने का शौक है? डिपेंड करता है किस टाइप की बुक्स है, फैशन मैगजीन, फिक्शन बुक्स, कभी कभी तो वेबटून से पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं ना, कुछ अच्छी बुक्स दूंगा, हो सकता है तुम्हें पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे, तो मैं लेके आता हूं। अच्छी अच्छी, तुम यहाँ इस वक्त और अचानक इतनी ठीक है? कोई काम का समझ लो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी नहीं, पहले तुम मुझे मनाओ फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। नहीं, पहले तुम मुझे मनाओ। क्यों? तुमने आज वो देव नहीं, पहले मैं क्यों, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट, आर्मी में ना सही, जेंटलमैन हूं, बोलो। अच्छा तो फिर सुनो, मैं अनीश की पार्टी में जाने वाली हूँ, तुम भी साथ में चलना। मैं नहीं जाऊंगा स्टीरकुट की पार्टी में। ए, वैसे जाने तो मैं भी नहीं वाली थी, पर देविका ने बहुत इंसिस्ट किया, और अगर कोई बहाना बनाया ना तो सीधा घर आ जाएगी मुझे लेने में। और मेरा क्या? हाँ, तब तक मेरा देविका से ब्रेकअप हो चुका होगा, कितना ऑकवर्ड फील करूंगा मैं उसके साथ वहां पे। पर मुझे तुम्हारे बिना, आई मीन तुम रहोगे तो कंफर्टेबल होगा, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं आऊंगा तो कंफर्टेबल रहोगी, मेरे बिना ऑकवर्ड फील करोगी? हाँ करूंगी, पर आई नो कि देविका के साथ मैं आऊंगा। पर देविका, टेंशन मत लो, अच्छे नोट पे ब्रेकअप करूंगा उससे। थैंक यू सो मच श्रवण। अच्छा अब तुम बताओ क्या बोल रहे थे, मनाऊं तुम्हें? मना तो लिया पार्टी में जाने के लिए। हाँ? वो मैं भूल गया, एक काम करो तुम भी भूल जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? लगता है कि आजकल तुम सोचते कुछ और बोलते कुछ। एक दूजे के वास्ते बने, 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 एक दूजे के वास्ते। श्रवण क्या कर रहे हो यहाँ? वंडरफुल पेंटिंग्स अंकल, ब्यूटीफुल, देख के लगता है कि मतलब आर्मी वालों का घर है। थैंक यू, ये बुक्स है तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल, जल्दी पढ़ के वापस करता हूँ। नहीं, अब से ये तुम्हारी हुई, आई होप इससे तुम्हारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है अंकल, बाय। अच्छा लड़का है। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला।
सही कहा था सुमो, आजकल मैं सोचता कुछ और हूँ और करता कुछ और। सोचा था सुमो के मामले में हड़बड़ी नहीं करूँ, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं जो सुमो के लिए हड़बड़ी करने को मुझे उकसा रहा है। लगता है अब एक कदम आगे बढ़ाने का टाइम आ ही गया है। अरे भाई साहब, मैं तो बस अपने भाई को मुबारकबाद देने आया हूं। कांग्रेचुलेशंस। नया सेंटर बहुत अच्छा लगा सुन के। खूब तरक्की करो। शुक्रिया भाई साहब, ये आप सबका प्यारा और आशीर्वाद ही तो है। हमने कुछ नहीं किया, तुमने अपने बलबूते पे किया है, और वो भी बिना किसी मदद के। I'm so proud of you, रमेश। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी तरह की कोई जरूरत हो बेहिचक आके बोलना मुझे। जी भाई साहब, आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप ही को बोलूंगा। गुड, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब। गुड नाइट बीना। गुड नाइट भाई साहब। तुमने मुझे रोककर बहुत गलत किया बीना। उस दिन अच्छा मौका था, अगर मैं अब भाई साहब को बताऊंगा तो उन्हें लगेगा कि जानबूझकर मैंने उनसे छुपाया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था जी। भाई साहब की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि उन पर और बोझ ना डले। पर ये यार, इस बार पार्टी में टू मच फन होने वाला है। सारे फ्लायर्स बढ़ गए, सिर्फ ये एक बचा है। चलो कोई ना, अब तू इतना ही रो रहा तो ला मुझे दे दे दूंगे तू। अब तेरा टू मच फन स्पॉइल करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना वहां पे। मैं आऊंगा तेरी पार्टी में। ये फाइनली। लेकिन तुम कन्विंस कैसे हो गए? किसने किया ये मैजिक? मेरा नाम श्रवण मल्होत्रा। मैजिक मुझ पे नहीं, मुझसे होता है। जब मैं पार्टी में आऊंगा ना तो खुद देख लेना। चलो गाइस, सी यू। देखा, तुम्हें दो बार ब्लंटली ना कहने के बाद आज खुदा अगर इनविटेशन लेकर गया है, अब तो समझ में आ गया ना। अरे श्रवण सुन तो, इसे ना सिर्फ सुमन की वैल्यू है और ये मैजिक भी उसी का है। तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है इसे। श्रवण। हाँ बोलो। तुमने देविका को बता दिया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। ओह, इसीलिए ब्रेकअप हो गया, इसीलिए अपसेट थी। नेचुरल है। हाँ, मैं पार्टी के लिए यहाँ बोल के आया, वो ब्रेकअप के लिए चांस नहीं मिला अभी तक। तो चांस ही नहीं मिला तो फिर देविका वो अभी यहाँ से गई और बहुत परेशान दिख रही थी। तुम्हें ना ऐसे ही लग रहा होगा, अभी 5 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। Maybe। अच्छा देखो, अब इंजेक्शन लगेगा तो दर्द तो होगा ना, बट मैं ना सही नस पकड़ के बिल्कुल धीरे से इंजेक्शन लगाऊंगा। I mean, देविका को हर्ट तो होना ही है, पर मैं ना उसे अच्छे से समझा के ब्रेकअप करूंगा। तुम ना टेंशन मत लो। टेंशन नहीं ले रही, बस बुरा लग रहा है।
आई विश कोई और तरीका होता। कैडेट, क्या है ये? आपको जिंदगी भर बी स्ट्रॉन्ग का रट्टा लगवाया गया, लेकिन आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। फिर चाहे वो इमोशन अपनी फैमिली के लिए हो, अपने फ्रेंड के लिए या अपने देश के लिए, बस वो इमोशन जेन्युइन होना चाहिए। सी यू। चलते फिरते ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है यार, कमाल है वो। देविका, मैं अब जो भी बोलने वाला हूं ना, उससे पहले एक बात याद रखना कि तुम ना बहुत अच्छी और एक कूल लड़की हो, और मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूं, पर केयर के बाद वाला पार्ट। ओके, लिसन देविका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अब मैं सच भी नहीं छुपा सकता। मैं ना प्रूव नहीं कर सकता, बट आई एम सच में सॉरी। बस श्रवण, मुझे पता है मुझसे ब्रेकअप करने आए हो। देविका, तुम्हें पता है, तुमने ही कहा था ना तुम्हें मेरी कुछ आदतें पसंद नहीं, मेरे कॉल्स, मेरे टेक्स्ट तुम्हें इरिटेट करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पर आई थिंक कुछ बदला नहीं है ना? हाँ, वो एक्चुअली वो कोशिश ना थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली गई थी। Understand. मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से अलग निकली ना, थोड़ी अनोइंग टाइप्स, पर इट्स फाइन, मुझे भी कुछ सीखने को मिला। मतलब तुम हर्ट नहीं हो? इनफैक्ट कुछ टाइम से मुझे भी तुम कम पसंद आ रहे थे। थैंक यू। फर्स्ट टाइम किसी से ब्रेकअप करने से पहले मैंने इतना सोचा है, क्योंकि अगर तुम ठीक नहीं होती ना तो मैं भी ठीक नहीं रह पाता, और मेरी तो क्लास। एनीवेज, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। श्रवण की तुम्हें इसे क्या लगता है, ये हमारे ग्रुप की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहेगा और हम देखते रहेंगे? एक बार इसका सारा सच सुमन के सामने ले आऊं ना, फिर इसे अंडू करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुझे श्रवण को देखना चाहिए था कंचा, वो ब्रेकअप करके इतना खुश था जैसे उसने कोई बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। एक तो तेरे एग्जांपल्स ना डिफ्यूज मतलब सुनकर देविका फट नहीं गई,
नहीं, श्रवण ने कहा कि उसने काफी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझी और आसानी से बाय भी बोल दिया। व्हाट रियली? आई मीन देविका की इमेज बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो लाइफ उजाड़ देती है लड़कों की, लिटरली। आई थिंक श्रवण ने अच्छे से हैंडल किया। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं वो देविका को हर्ट ना करते, बट आई एम प्राउड ऑफ हिम। ओहो सुमो, तो उस पे प्राउड है? वो पहले से ज्यादा पोलाइट हो गया है, वो अपने ब्रेकअप से खुश है और तू उसके। आई सी। देख, अगर तूने अपनी बकवास बनने की ना, तो मेरे पास भी चाची को बताने के लिए बहुत कुछ है, समझी? अच्छा ओके, ठीक है ना। तू सीरियस क्यों हो रही है यार? सॉरी ना बेटा। क्या? अरे मैं गाना गा रही हूँ, क्या हुआ? तू रिलेट कर पा रही है क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.